दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 3 साल का आइडेंटिटी कार्ड भी इशू हो चुका है, जो मारुति सुजुकी CTS स्कीम या फिर FT स्कीम, TWCW अप्रेंटिस, ठीक है, तो इसके द्वारा आपको जॉब मिलती है। अभी एक नया स्कीम है FTE, ठीक है, तो ये बहुत अभी चर्चा में है। 3 साल के लिए इसमें जॉब मिलती है और आपका 34,000 प्लस सैलरी मिलता है, तो ये एकदम सही है। आपको आज प्रूफ के साथ में दिखाएंगे आइडेंटिटी कार्ड जो इशू हुआ है लड़के का, वो आइडेंटिटी कार्ड मुझे मिला है, तो उसके द्वारा आपको डिस्प्ले पे प्रूफ के साथ में दिखाएंगे यहाँ पे कौन सा उसे डिपार्टमेंट मिला है और यहाँ पे वो कितने साल के लिए ज्वाइन किया है। तो आइए अभी डिस्प्ले पे देखते हैं, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, जो भी अपडेट आती है आपको यहाँ पे तुरंत बताई जाती है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने डिस्प्ले पे, यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे FT गुड़गांव और मानेश्वर दोनों प्लांट का। प्रूफ आपको दिखाएंगे जो आइडेंटिटी कार्ड इशू हुआ है उसमें क्या क्या लिखा रहता है, कौन से डिपार्टमेंट में ये ज्वाइन किया है इन्होंने, ठीक है, तो दोनों प्रूफ बताएंगे आपको। लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। इसी वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे कितना सैलरी हुआ है, कंपेयर करके बताएंगे TW बेहतर है या फिर FTE बेहतर है, ठीक है, क्या क्या फैसिलिटी बढ़ी हुई हैं, तो पूरा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे 3 साल में आप 10 लाख से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतर हो जाएगा अगर सभी को ये अलाउ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेडिकल वैसे ही होने वाला है, आपको कलर विजन है तो आप यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे बॉयज़ कैंडिडेट ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको कंपेयर करके मैं बता दूँ, पहले यहाँ पे आपका जो TW है, टेम्परेरी वर्कमैन, जो पहले था वो अभी बंद हो जाएगा कुछ दिनों में आने वाले समय में, तो वो 7 महीने के लिए होता था। और जो FTE है, फिक्स टर्म एम्प्लॉय, ये नई स्कीम है, ये आपका 3 साल के लिए शुरू किया गया स्कीम। इसमें आपका जो सैलरी है 34,000 के प्लस मिलेगा, ठीक है, और जो यहाँ पे 7 महीने का था TW, उसमें आपका 26,000 रुपये सैलरी मिलता था, इन हैंड में आपका 24,000 के लमसम आता था। इसमें आपका इन हैंड आपका 30,000 से 32,000 रुपये सैलरी आ जाएगा FTE में, ठीक है। जो यहाँ पे छुट्टी की बात करूँ तो आपका छुट्टी 7 महीने में जो होता था उसमें आपको 12 छुट्टी मिलती थी TW में, और उसी तरीके से FTE में आपका 1 साल में 12 छुट्टी दी जाएंगी, तो यहाँ पे आपको छुट्टियाँ कम मिल पाएंगी FTE में, ठीक है। तो उसके बाद में आपको बोनस जो होता है, दिवाली बोनस आपको दिया जाएगा, गिफ्ट भी आपको दिया जाएगा, आपका कैंटीन फैसिलिटी वैसे रहेगा, बोनस, नाइट अलाउंस, ठीक है, वो सब सेम रहेगा। तो आगे यहाँ पे देखते हैं, दिवाली बोनस भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पूरे भारत से कहीं के भी आप हो तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अधिकतर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, आगे डिटेल में प्रूफ भी बताएंगे आपको। तो उससे पहले मैंने इसके और भी वीडियो बनाए हैं, अप्रेंटिस का फॉर्म कैसे अप्लाई करें उसके बारे में बताया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और TW जो नया वाला आया है, ठीक है, या FTE का जो नया फॉर्म आया है उसको कैसे अप्लाई करना है उसको भी मैंने बताया है वीडियो में, YouTube पे आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपका एज है वो 18 से 26 साल रखा गया है, चाहे आप TW और चाहे आप FTE में ज्वाइन करें, ठीक है। जो आपका TW है उसमें आप गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI दोनों से ही यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसी तरीके से FTE में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आप किसी भी ITI से, चाहे आपने प्राइवेट से किया है कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, तो दोनों से ही अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अब बात कर लें, यहाँ पे आपका प्रूफ भी आगे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक कंपेयर बनाया था, कंपेयर कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे आपको PF भी मिलेगा, PF आपका टोटल सैलरी का 12% कटता है, जो कि आपको एनुअल में मिलेगा, ठीक है। पहले 7 महीने बाद मिलता था, अभी 1 साल के बाद मिलेगा। यहाँ पे आपको दो दो यूनिफॉर्म मिलेंगी, सेफ्टी शूज़ वगैरह जो भी होते हैं वो 1 साल में दिए जाएंगे, ठीक है। इसका पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी फ्री में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए मैं बेहतर बताऊँ तो अभी FTE बहुत ही बेहतर हो जाएगा, आपका लाइफ एकदम सेट हो जाएगा, ठीक है, अगर ये आपको मिल जाता है। तो कैसे मिलेगा इसकी भी बात करेंगे, अभी जो नई अपडेट आएगी उसकी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो आगे प्रूफ बताएंगे, ये मानेश्वर प्लांट का है, ठीक है। तो मानेश्वर में कैसे चेंजेस आए हैं और कैसे आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए डिटेल में आपको बताएंगे, ये कोई फेक नहीं है। जो लड़के वहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं या मेरे फ्रेंड हैं या फिर किसी के द्वारा मुझे नोटिफिकेशन मिला है, तो उसी के द्वारा आपको बता रहा हूँ प्रूफ के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप वीडियो कंप्लीट ही देखिए, तभी आपको पूरा FTE से रिलेटेड सभी कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मारुति सुजुकी का ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड इसी तरीके का होता है। मैंने इससे पहले TW का भी वीडियो बनाया था आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर, उसे देख सकते हैं आप।
तो ये गुड़गांव प्लांट का है, ठीक है, गुड़गांव और आगे मानेश्वर की भी बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे गुड़गांव प्लांट में आप देख पाएंगे, ओके। तो यहाँ पे आपका जो गुड़गांव है उसका पिन कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ जो कंपनी होती है, कंपनी के कुछ कंट्रोल रूम के नंबर होते हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद में FT36, ये उन्होंने इस स्कीम का नाम दिया है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय। 36 का मतलब है ये महीने, 36 महीने के लिए आपको जॉब मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर है जो भी वहाँ पे स्टूडेंट काम कर रहा है, अभी नई ज्वाइनिंग हुई है दोस्तों। इनका नाम आप देख पा रहे हैं भूपेंद्र सिंह, तो भूपेंद्र सिंह इनका नाम है। इन्होंने आपका 22 सितंबर को ज्वाइन किया है, ठीक है, 22 सितंबर 2021 में। तो इनका जो 3 साल वैलिड रहेगा तो 21 सितंबर 2024 तक इनका वैलिड रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टाफ नंबर इनका दिया रहता है, यहाँ पे डिपार्टमेंट भी दिया है MPMB, ठीक है। आप अपने कॉन्टैक्ट कोई दोस्त वगैरह है तो उससे पूछ सकते हैं ये डिपार्टमेंट क्या है, क्योंकि अभी मैंने कंपनी ज्वाइन नहीं किया है तो इसके बारे में डिटेल में अलग से बताएंगे जैसे ही अपडेट मिलती है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और कैसे काम होता है, ठीक है। तो ये मानेश्वर में देख पा रहे हैं आप, मानेश्वर प्लांट का है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था मानेश्वर प्लांट का है, ओके। तो ये मानेश्वर में इन्होंने अभी ज्वाइन किया है। तो ऐसे ही मैं आगे मानेश्वर प्लांट में एक नोटिफिकेशन भी जनरेट किया गया था तो मैं उसका भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे आपको सभी को पता है कि बहुत चर्चा हो रही कि FTE क्या है। तो FTE में आपने देखा कि यहाँ पे पहले क्या था कि आपको 7 महीने की जॉब मिलती थी, अभी आपका 3 साल की जॉब मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं FTE में आपको ये बहुत ही बेहतर है। अब आगे बात करेंगे यहाँ पे जो अपना गुड़गांव का है, गुड़गांव प्लांट का है, तो उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं जो पहले मिलती थी, उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे आप सैलरी देख पा रहे हैं 34,000 प्लस आपको सैलरी मिलने वाली है। अभी आपको यहाँ पे गुड़गांव प्लांट का भी दिखाएंगे, ठीक है, ये प्रूफ के साथ आपको दिखा रहे हैं तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये फेक है। और ये हाँ थोड़ा वीडियो बड़ा है तो इसको आप कंप्लीट वॉच कीजिए, ठीक है। तो आगे बात करेंगे यहाँ पे कैसे इसको अप्लाई करेंगे, इसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले आइडेंटिटी कार्ड देख लेते हैं, ये भी देखिए ऑफिशियल इसका जो नोटिस है गुड़गांव का है। तो इनका मतलब मेन प्लांट जो है वो गुड़गांव में है, ठीक है, और जो दूसरा इनका प्लांट है वो मानेश्वर में, तो इसलिए ये अपना गुड़गांव का एड्रेस देते हैं सभी आइडेंटिटी कार्ड पे, ओके। तो यहाँ पे FTE 36 महीने के लिए है, इसी तरीके के सारे आइडेंटिटी कार्ड आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा जो आपको दोनों प्लांट के प्रूफ के साथ में यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड दिखाए, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही तो इसको लाइक कर सकते हैं। और आपके लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है कि आप TW का नया फॉर्म जो आया है उसको कैसे अप्लाई करेंगे, उसको भी देख सकते हैं, ओके। जल्द ही मेरा एक नया वीडियो आएगा कि आप इसमें इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, जो भी हमारे फ्रेंड गए हैं तो उनसे बात करके वहाँ पर पता करेंगे किस तरीके का इंटरव्यू होता है, तो उसका भी मैं आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा, ओके। अभी हमने हीरो कंपनी के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं तो उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं हीरो हरिद्वार प्लांट में ही जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ की जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी होती है तो आप कंप्लीट ले सकते हैं, कैसे इंटरव्यू होता है, कैसा आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, ठीक है, कितनी सैलरी मिलती है, कैसे काम होता है, कलर विजन चेक होता है, ठीक है, तो इसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पर मेडिकल की भी बात करेंगे, मारुति सुजुकी में मेडिकल कैसा होता है, ओके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन्होंने जो है आपका 21 सितंबर, तो यहाँ पे इनका नाम छुपा रखा है मैंने, क्योंकि जिन्होंने एप्लीकेशन ये आइडेंटिटी कार्ड मुझे दिया है तो उन्होंने नाम बताने को मना किया था, ओके, तो इस वजह से मैंने नाम छुपा रखा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनका जो नाम है, इन्होंने बताया था कि आप नाम ना शेयर करें तो इसलिए मैंने इनका नाम छुपा रखा है। और यहाँ पर जो वैलिड अप टू है इनका 20 जून 2024 तक है, इन्होंने 21 जून 2021 को ही इन्होंने ज्वाइनिंग लिया था, ठीक है। तो इनका बहुत ही अच्छा लक है, मतलब 2021 में इनको बहुत ही बेहतर जॉब मिली है, अभी ये फ्रेशर में इन्होंने ज्वाइन किया है। इनका स्टाफ नंबर भी दिया है और उसके बाद में इनका डिपार्टमेंट भी दिया है TRD, ठीक है। तो इनके डिपार्टमेंट जो भी मारुति सुजुकी में होते हैं तो उसके अलग से वीडियो बनाएंगे, डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या वहाँ पर काम मिलता है। हालाँकि जो डिपार्टमेंट होते हैं वो बेल्ट शॉप, मशीन शॉप, इंजन शॉप, ठीक है, और यहाँ पर असेंबली शॉप, तो यही 4-5 डिपार्टमेंट होते हैं, पैंट शॉप, ठीक है। तो ये गुड़गांव प्लांट का है, आप देख पा रहे हैं गुड़गांव इस पे लिखा हुआ है, तो आप गुड़गांव प्लांट में अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं, ओके।
तो मैंने यहाँ पे दोनों प्रूफ के साथ में आपको दिखा दिया है जो आइडेंटिटी कार्ड इशू किए गए हैं। तो यहाँ पे अभी दो बैच ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब दो बैच आपके मानेश्वर में भी और गुड़गांव में भी जल्द ही ज्वाइन कर चुके हैं। ओके, तो अब आगे बात करें, एक जो आपका गुड़गांव में एक इशू किया गया था नोटिफिकेशन, तो उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये तो पता लग गया कि एफटी क्या होता है, कितने साल की जॉब मिलेगी, ठीक है। आगे बात करेंगे कैसे जॉब मिलेगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो बैच अभी इसके ज्वाइन कर चुके हैं, डिपार्टमेंट आपका जो है गुड़गांव में टूल एंड डाई मेकर में इन्होंने ज्वाइन किया है, कुछ लड़कों ने असेंबली शॉप में भी ज्वाइन किया जहाँ पे गाड़ी बनती है, ठीक है। और उसके बाद में जल्द ही जैसे ही ये मतलब आपका डिपार्टमेंट लागू हो जाएंगे सभी डिपार्टमेंट में, और जल्द ही इसका नया अपडेट आएगा उसमें सभी डिपार्टमेंट में इसकी ज्वाइनिंग होगी, तो TW बंद हो जाएगा, उसके बाद में FT चालू हो जाएगा। तो अभी हालांकि इतनी जल्दी नहीं बंद हो जाएगा, पर इसी में से इसी जो TW है, TW के ही बच्चे FTE में भी ज्वाइन कर रहे हैं। कैसे, उसका मैं बता रहा हूँ आगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, 7 महीने का जो पहले जॉब मिलता था उसमें आपकी सैलरी कम थी, और जो अभी 3 साल की जॉब मिली है उसमें सैलरी आपकी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी कार्ड भी दिखा दिया गया है, ठीक है। तो जिसकी ज्वाइनिंग 2021 में हुई है उसका जो है वो 2024 तक यहाँ पे वैध रहेगा, ठीक है, 3 साल तक रहेगा। तो मैंने आपको सारे यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन थे आपको बता दिए। अब बात करते हैं इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए अभी जो नया इसका फॉर्म आया हुआ है TW का, ठीक है, ओके, जो अभी नया अभी फ्रंट में ही मतलब चल रहा है, जल्द में अपडेट इसकी आई हुई थी TW के लिए। तो आप यहाँ पे TW का फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, जिन्होंने पहले काम कर रखा है मारुति सुजुकी में TW या अप्रेंटिस किया है तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है। तो एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद में आपका भी ज्वाइनिंग हो सकता है 3 साल के लिए। तो यहाँ पे आपको वही TW का फॉर्म अप्लाई करना है, उसमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का पूरा ही डालना है आपको, ठीक है, डिटेल में मोबाइल नंबर अपना करेक्ट डालना है, ईमेल आईडी वगैरह जो भी मांगा जाता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको नहीं अपलोड करने, ये चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो ये बीजन इंडिया जॉब के नाम से एक नई कंसल्टेंट है, उसके द्वारा ये यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, FTE प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे 3 साल के लिए। जैसे पहले आपका नीम ट्रेनी होता था उसी तरीके से यहाँ पे होगा, CTS स्कीम होता था। तो ITI वाले लड़के बीजन इंडिया के थ्रू 3 साल के लिए FTE में ज्वाइन करेंगे, बेहतर सैलरी मिलेगा आपको। कैसे ज्वाइन करना है इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखा है FTE, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा कि अप्रेंटिस का फॉर्म कैसे अप्लाई करें और यहाँ पे मारुति सुजुकी TW या FTE का फॉर्म कैसे अप्लाई करें, वो लिंक आपको मिल जाएंगी, उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद में अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल आपको दे दी गई है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें प्लीज़। और ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी मुझे, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी कार्ड होते हैं लड़कों से कांटेक्ट करके या फिर किसी फ्रेंड से लेने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, सर्च करने में। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ एक शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ एक शेयर। आपके एक शेयर से मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो जल्द ही हमारा एक नया वीडियो आएगा हीरो कंपनी के ऊपर, जो नया एप्लीकेशन आया है मैंने पहले भी बताया था, तो उसका वीडियो आज या कल में आ जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं।